किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। अगर 2015 की तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्वीटी सिंह को पिछले बार की तुलना में अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा की उम्मीदवार पिछली बार 8,609 वोटों से हारी थी, वहीं इस उपचुनाव में 10,000 से अधिक मतों से हारी है। अगर वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो पिछली बार भाजपा को कांग्रेस से करीब 5% वोट कम मिले थे। इस बार ओवैसी की पार्टी ने भाजपा को 6% अधिक वोटों से मात दी है। इन आंकड़ों पर गौर करें तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भले ही बिहार के मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक वोटरों को पाले में लाने को हर संभव प्रयास करते हों, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आज भी अल्पसंख्यक नीतीश कुमार के कहे अनुसार वोट नहीं करते हैं। राजनीति जानकारों के अनुसार माने तो किशनगंज के अल्पसंख्यक वोटरों ने नीतीश को अपना नेता नहीं माना। भले ही वो अल्पसंख्यकों के लिए कई तरह की योजना चला रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि अल्पसंख्यक नीतीश से ज्यादा ओवैसी से प्यार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ATN लाइव।